बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच खटास बढ़ती जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर दोबारा सरकार बना सकते हैं। 28 जनवरी को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह कराया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बनाए जा सकते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी का कहना है कि राजनीति में दरवाजे बंद होते हैं और दरवाजे खुल भी जाते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक रैली के दौरान कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी के नेता लगातार यही कहते आए हैं कि वह जेडीयू के साथ अब कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। वहीं बिहार में जेडीयू के साथ सरकार बनाने के पहले बीजेपी बिहार के लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करना चाहती है। इसके लिए कल की बैठक में जिलाध्यक्ष और जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी पटना बुलाया गया है। बिहार में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी कल सुबह बिहार रवाना होंगे। वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व HAM के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि हाल ही में मैंने कहा था कि 20 जनवरी के बाद बिहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने RJD के खिलाफ बहुत सारी बातें कही थी, अब इन लोगों का गठबंधन नहीं चलेगा। बिहार की मौजूदा राजनीति को लेकर बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा कि अभी केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिवस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, जिसके वो अभी भी पोषक बने हुए हैं।